हेलो फ्रेंड, देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इफ़ माइनस फोर इज़ अ रूट ऑफ इक्वेशन, मीन्स क्या कि माइनस फोर इस इक्वेशन का रूट है। इक्वेशन क्या है, टू एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस सिक्सटी इक्वल टू जीरो। तो फाइंड द अदर रूट्स, अदर रूट्स इसमें निकालना है, ठीक है। तो पहले क्या था कि देखिए, जो हमारा सिंथेटिक डिविज़न था तो उससे हम क्या करते थे कि इक्वेशन टू रिमाइंडर निकालते थे। तो एक रूट गिवन दिया हुआ था तब, तो देखिए इसमें भी एक रूट गिवन दिया हुआ है, तो सिंथेटिक डिवीज़न हम यूज़ कर सकते हैं और फिर उससे जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होगा, से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा निकलेगा, ठीक। ये तो हमारा क्यूबिक इक्वेशन है तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलेगा, तो फिर उससे हम रूट निकाल लेंगे दो, क्योंकि इसका रूट थ्री निकलेगा, तो थ्री रूट में एक रूट ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे, तो शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिए मेरे वीडियो में। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, जैसे कि जो हमें गिवन दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं कि गिवन दैट क्या दिया हुआ है कि माइनस फोर, माइनस फोर इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन, माइनस फोर इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन कौन सा है हमारा, टू एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस सिक्सटी इक्वल टू जीरो। देखिए ये कंप्लीट इक्वेशन है हमारा, ठीक, क्योंकि एक्स का पावर थ्री है, फिर टू है, फिर वन है, फिर देखिए यहाँ पे जीरो है, तो ये कंप्लीट इक्वेशन हो गया। देन देखिए इसका जो सॉल्यूशन होगा, तो ये हम लिख देंगे, देन फिर क्या कि सिंथेटिक डिवीज़न लगाते हैं, तो माइनस फोर यहाँ पे सिंथेटिक डिवीज़न आता होगा, सबका कोफिशियंट लेंगे, इक्वेशन है उसका कोफिशियंट लेंगे, तो इक्वेशन कोफिशियंट क्या है, यहाँ पे टू है इसका, तो टू लेंगे यहाँ पे, ठीक है। देन ये हमारा सिक्स हो जाएगा, तो सिक्स लेंगे, फिर सेवन है, फिर हमारा क्या है, सिक्सटी है। तो देखिए सिंथेटिक डिवीज़न, ये हम फर्स्ट वाला टर्म है उसको छोड़ देते हैं, तो फर्स्ट वाला टर्म, तो ये हमारा यहाँ पे टू हो जाएगा, फिर टू इंटू माइनस फोर करते हैं, तो टू इंटू माइनस फोर क्या हो जाएगा हमारा, माइनस एट, ठीक है। तो माइनस एट और प्लस सिक्स कितना हो जा रहा है, माइनस टू, ठीक। देन माइनस टू इंटू माइनस फोर, तो माइनस टू इंटू माइनस फोर कितना हो जाएगा, प्लस एट हो जाएगा, तो प्लस एट, ठीक है। तो एट प्लस सेवन कितना होता है हमारे पास, यहाँ पे एट प्लस सेवन फिफ्टीन हो जाता है, दिस इज फिफ्टीन। देन फिफ्टीन इंटू माइनस फोर कितना होता है, माइनस सिक्सटी, तो दिस इज माइनस सिक्सटी। तो ये माइनस सिक्सटी प्लस सिक्सटी, ये हमारा जीरो हो जाएगा। तो द क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारे पास, क्वेश्चन इज, देखिए जो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए x का पावर थ्री था यहाँ पे, क्वेश्चन में हमारा x का पावर थ्री था, तो जो हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा वो x का पावर टू बनेगा, उससे ही कम बनेगा, मीन्स टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फिफ्टीन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आता होगा। देन देखिए ये क्या हो जाएगा कि इससे हम फिर दो रूट्स निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हो गया है, तो क्वाड्रेटिक से दो रूट्स इसका निकलेगा, और एक रूट ऑलरेडी दिया हुआ माइनस फोर दिया हुआ है, ठीक। तो इससे हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में टूट सकता है, या फिर सिक्सटी हो गया तो सिक्सटी टू में भी नहीं टूटेगा, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक का जो फॉर्मूला होता है वो हम फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, ठीक। तो एक्स का जो वैल्यू निकलेगा कैसे निकलेगा, देखिए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस बी होता है, तो माइनस बी मीन्स टू, और प्लस माइनस रूट अंडर, देखिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, दिस इज़ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे फोर हो जाएगा, और माइनस फोर ए सी मीन्स क्या होगा कि फोर इंटू टू इंटू फिफ्टीन हो जाएगा, फोर इंटू टू इंटू फिफ्टीन, तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं फोर इंटू टू इंटू फिफ्टीन, और डिवाइड में यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू ए मीन्स टू इंटू टू, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, देखिए x इक्वल टू हो जाएगा क्या कि टू है हमारा ये, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक। देन ये रूट अंडर फोर माइनस, देखिए माइनस यहाँ पे फिफ्टीन इंटू टू सिक्सटी, और सिक्सटी इंटू फोर वन ट्वेंटी, वन ट्वेंटी, और डिवाइड में यहाँ पे हमारा फोर हो जा रहा है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए जैसे टू प्लस माइनस, ठीक है, और यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा, 116, रूट अंडर माइनस 116 डिवाइड में ये हमारा फोर हो जाएगा। देन फिर आगे देख सकते हैं कि एक्स इक्वल टू
देखिए टू प्लस माइनस, ठीक है, और माइनस को हम आयोटा में कन्वर्ट करते हैं, तो माइनस तो आयोटा हो जाएगा ये, और रूट अंडर 16 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 2√29, और यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड में 4। ठीक, यहाँ से अब क्या करते हैं कि 2 कॉमन आउट कर लेते हैं, यहाँ से भी 2 कॉमन आउट करेंगे, इस टर्म से कॉमन आउट करेंगे 2, और नीचे यहाँ पे 2, देखिए एक्स इक्वल टू 2 कॉमन आउट हो जाएगा, तो 1 बचेगा यहाँ पे 1, और यहाँ पे प्लस माइनस आयोटा रूट अंडर 29, और दिस इज 4, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो गया। देन देखिए x का जो वैल्यू हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस आयोटा रूट अंडर 29 और डिवाइड में 2। देखिए ये हमारा एक x का वैल्यू आ चुका है, मीन्स यहाँ पे 2 वैल्यू हो चुका है, x का 2 वैल्यू हो गया, एक प्लस माइनस में आ गया है, ये प्लस माइनस में आ गया यहाँ पे, तो x का 2 वैल्यू हो गया और एक वैल्यू माइनस 4 दिया हुआ था, मीन्स क्यूबिक इक्वेशन था, तो इसका 3 वैल्यू हो गया। और दूसरे फॉर्मेट से देखते हैं कि इसका इक्वेशन कैसे, मतलब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर सिंथेटिक डिवीज़न नहीं आता है तो फिर हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि हमारा दिया हुआ था क्या, ये माइनस 4 जो हमारा था, ये जो लिखे हुए गिवन क्या दिया हुआ था, गिवन दैट माइनस 4 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन का माइनस 4 एक रूट है, तो फिर क्या है, मीन्स क्या कि इट मीन्स, यहाँ पे ले देते हैं, इट मीन्स एक्स माइनस 4 जो हो जाएगा इज द फैक्टर ऑफ द गिवन इक्वेशन। देखिए एक्स माइनस जो 4 होगा वो फैक्टर हो जाएगा गिवन इक्वेशन का, ठीक है, तो एक्स माइनस 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे 2x³ प्लस 6x² प्लस 7x प्लस 60 को, ठीक है, को सिंपली डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड तो सबको आता होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जो 2x³ हमारा कैंसिल आउट हो जाए तो हम किससे लेंगे, 2x² से लेंगे, 2x² मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x³, और यहाँ पे 2x² मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8x² हो जाएगा, तो x² यहीं पे है, तो माइनस 8x² माइनस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो x इक्वल टू माइनस 4 था ना, तो x इक्वल, तो इसका जो फैक्टर हो जाएगा, तो यहाँ पे हम अगर निकालें तो x इक्वल टू 4 हो जा रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्म हो जाएगा, तो होगा ये हमारा पॉजिटिव टर्म हो जाएगा, दिस इज़ माई मिस्टेक। देखिए माइनस 4 हमारा इसका रूट दिया हुआ, मीन्स क्या कि x प्लस 4 जो रहेगा वो हमारा फैक्टर हो जाएगा, तभी तो x का वैल्यू माइनस 4 हो जाएगा। देन देखिए इस फॉर्म में हो गया, ये तो डिवीज़न सबको आता होगा, तो x प्लस 4 यहाँ पे हो जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन को, तो 2x² से अगर हम करें तो देखिए 2x³ हो जाएगा और प्लस 8x² हो जाएगा, तो फिर ये हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस देते हैं, माइनस देते हैं, पॉजिटिव मेरा तो माइनस, नेगेटिव मेरा तो प्लस देते हैं, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच रहा है हमारे पास, देखिए माइनस यहाँ पे बचेगा क्या कि 2x² प्लस 7x प्लस 60 बच रहा है हमारे पास, ठीक, क्या करेंगे, किससे देंगे कि माइनस 2x² यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाए, तो माइनस 2x से देंगे, यहाँ पे माइनस 2x, तो माइनस 2x², देखिए माइनस 2x² आगे मल्टीप्लाई किए तो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 8x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इसे 4 इंटू माइनस 2x माइनस 8x हो जाएगा, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, प्लस में हो गया, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, और ये दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 15x प्लस 60, ठीक, किससे देंगे 15x हो जाएगा, तो x तो ऑलरेडी है ही, ओनली फॉर किससे, प्लस 15 से करना है, प्लस 15 से करेंगे तो हो जा रहा है क्या यहाँ पे 15x प्लस यहाँ पे 60 माइनस माइनस, ये हमारा कैंसिल आउट, रिमाइंडर देखिए 0, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर हमारा 0 आया था, सिंथेटिक डिवीजन से रिमाइंडर 0 आया था, और जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो मीन्स क्वेश्चन जो हमारा आया था, तो क्या 2x² माइनस 2x प्लस 15, यहाँ पे भी देखिए सेम आया है 2x² माइनस 2x प्लस 15, फिर जो देखिए ये जो होता है वी हैव लिखेंगे क्या, हैव क्या 2x² माइनस 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन से फिर हम क्या करेंगे, ये सेम वही हो गया, फिर हम x का वैल्यू निकालेंगे, तो x का वैल्यू भी यहाँ से सेम ही निकलेगा, जो इसमें निकला है x का वैल्यू
सेम इसमें भी एक्स का वैल्यू वही निकलेगा। तो हम लिख देंगे क्या कि एक्स इक्वल टू जो हो जाएगा 1 प्लस माइनस आयोटा रूट अंडर 29 बाई 2। तो आप कोई एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं, कोई एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप सिंथेटिक डिवीज़न यूज़ कर लीजिए सॉल्व करने के लिए, या फिर ये डिवीज़न जो मेथड होता है ये यूज़ कर लीजिए। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। और एक और क्वेश्चन है तो उसको चलिए देखते हैं।